हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि मैं प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा। प्रॉपर्टी मींस गोवा में प्रॉपर्टी के ऊपर अब तक 3-4 वीडियो बन चुके हैं। अभी इससे पहले भी ये वीडियो जब आप देखोगे उससे लास्ट वीडियो भी प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। वो मैंने थोड़ा सा अभी 2 घंटे पहले बनाया था। धूप बहुत तेज़ थी और माइक आज मैंने हाथ में इसलिए पकड़ रखा है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। अरेबियन सी की तरफ से बहुत तेज़ हवा आ रही है। आपको पेड़ भी दिख रहे होंगे काफ़ी तेज़ हिलते हुए। तो उस वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा शोर सुना है, मतलब हवा का आवाज़ का शोर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं माइक को थोड़ा सा और क्लोज़ रख के बात करूँगा आपसे। अभी थोड़ा मौसम ठीक है, सामने सनसेट हो रहा है, चपोरा फोर्ट में तो ओके है। तो मैंने जैसे एक वीडियो बनाया कि गोवा में घर कैसे ख़रीदे, सबसे पहले बनाया। फिर उसके बाद में कि आप लोगों के अंदर जो जोश चढ़ता है कि गोवा में घर ख़रीदना है यार, गोवा जैसी किसी जगह पे घर ख़रीदना है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि क्या सच में आप लोग ख़रीदना चाहते हो या ऐसे ही जोश चढ़ जाता है मूवी देख के, वीडियो देख के। फिर एक वीडियो मैंने बनाया कि गोवा में घर ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब घर लेना चाहिए। तो मैंने उसमें बताया कि मेरी पर्सनल राय है कि आपको मतलब गोवा में मतलब घर तो कभी भी कहीं भी नहीं ख़रीदना चाहिए जब तक कि वो आपके एसेट के रूप में ना हो। देखो उस वीडियो में भी, अभी से पिछले वाले वीडियो में एक कैंपेन, ये आम आदमी, उसमें बीजेपी की गाड़ी गई थी। अभी जो मैंने 2 घंटे पहले वीडियो बनाया, ये आम आदमी पार्टी की गाड़ी गई है। मेरे नेबर जो है वो पड़ोस में, वो MLA के इलेक्शन में इसमें खड़े हुए हैं। इस वक्त गोवा में 3 MLA ऐसे इलेक्शन में खड़े हुए हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, और तीनों ही अलग अलग पार्टी से हैं। एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी से और एक आम आदमी पार्टी से। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार गवर्नमेंट किसी की बने, ठीक है, अगर ये तीनों जीत जाते तो कम से कम 3 MLA, एक तो अभी करंट MLA हैं और 2 अभी अपना अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें। तो मैंने कहा तीनों जीत जाएँ, गवर्नमेंट किसी की बने तो अपने दिन। हालाँकि मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई काम वाम नहीं पड़ता है, पर मैंने कहा ठीक है यार, कभी किसी और का भी पड़ेगा तो कम से कम अपनी जान पहचान आज भी है उनसे, ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो 3 MLA खड़े हुए इस इलेक्शन में, 10 मार्च को मालूम पड़ेगा क्या हुआ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि भी प्रॉपर्टी को, तो मैंने हमने 2-3 वीडियो बनाए। तो मैंने बताया कि मेरी पर्सनल राय है कि गोवा जैसी खूबसूरत जगह पे बाहरी लोग, बाहरी मीन्स इंडिया से बाहर नहीं, बाहरी, आप लोग कई लोग बोलते हैं अरे आपने इंडिया के लोगों को बाहरी क्यों बोल दिया, कोई भी कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पर अगर आप एक बार को ठंडे दिमाग से और एक बड़े सुलझे हुए दिमाग से ये सोचो कि सारे पैसे वाले लोग, मतलब प्रॉपर्टी तो वही खरीदेगा जिसके पास पैसा है, सारे पैसे वाले लोग अगर सारी ही अच्छी जगह पे जाके बस जाएंगे तो जो बाकी के लोग वहाँ आएंगे या और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर आप सारे प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे गोवा जैसी खूबसूरत जगह पे या गोवा जैसी किसी और जगह पे, तो वो जगह भी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूना, गुड़गांव बन जाएगी। तो फिर आप जिस वजह से गोवा में आ रहे हो या जिस वजह से आप शिमला, हिमाचल की और जगहों पे, मनाली, नैनीताल जाते हो, तो माल रोड बन के रह जाएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं ख़रीदना चाहिए कोई गोवा हिंदुस्तान के बाहर का राज्य, मैं उस संदर्भ में नहीं ये बात बोल रहा हूँ। मेरा ये है कि अगर अब सारे दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है और गोवा की 15 लाख आबादी है, 15 से 16 लाख गोवा की आबादी है और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, मुंबई की आबादी भी 2-2.5 करोड़ होगी, आप सोचो ना कि अगर ये सारे सुपर रिच लोग यहाँ पे आ जाए या मिडिल क्लास भी आ जाए, हाई मिडिल क्लास भी आ जाए, तो गोवा में लैंड भी तो कम है ना, पहाड़ों में घिरा हुआ गोवा एक खूबसूरत राज्य है, उसके 15-16 लाख आबादी है, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, आबादी के मामले में भी 3रे-4थे नंबर पे आता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अब आते हैं हम पॉइंट पे कि आप लोग प्रॉपर्टी क्यों नहीं ख़रीद पाते। आप गोवा में जिन लोगों में जोश चढ़ता है या जो लोग ख़रीदना चाहते हैं पर वो गोवा में प्रॉपर्टी क्यों नहीं ख़रीद पाते, या इवन कहीं भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं ख़रीद पाते, चलो गोवा को भी छोड़ते हैं, आप कहीं भी जल्दी आसानी से प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। उसके लिए ना आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैं साइकोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ और मैं पिछले 2-3 साल से इस पर काफ़ी कोशिश करता हूँ, मेरी दिलचस्पी काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने में लगा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी होती कि लोग, काबिल लोगों का भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। वो काबिल हैं ये वो जानते हैं पर उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में लोगों की साइकोलॉजी इतनी डरपोक, इतनी अनसिक्योर हो चुकी है कि छोटी छोटी चीज़ों के फैसले नहीं ले सकते।
जैसे आपने कभी देखा होगा, आप भी हो सकते हो उनमें से, या आपके कहीं ना कहीं यार दोस्त या रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी ऐसे होंगे कि फ़ोन लेने जाना है तो वो एक अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने दोस्त के बगैर जाके नहीं खरीद सकते, दोस्त को लेके जाएंगे, बार्गेनिंग करने में आसानी होगी या मतलब चुनने में आसानी होगी, मतलब उनको ये फ़ोन की बात हो गई, टीवी, फ्रिज, कार खरीदने का तमाशा देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा या आप लोग भी शायद हो सकता उसमें से हो कि कार खरीदने जाएंगे तो पहले कार को चुनेंगे, चुनने के लिए पूरे ख़ानदान में सलाह लेंगे, पूरे मोहल्ले में सलाह लेंगे ताकि सबको मालूम पड़ जाए मैं कार प्लान कर रहा हूँ, कार खरीदने को प्लान कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में चार दोस्तों के साथ जाके अलग अलग शोरूमों में चक्कर काटोगे, ये उत्सव चलेगा एक महीना 15 दिन उत्सव चलेगा, क्या उत्सव चल रहा है जी, गाड़ी खरीदे, अच्छा जो साथ में जा रहे हैं वो अलग नेता बनेंगे, अरे यार आज ना मैं कहीं काम से जा रहा हूँ यार, वो दोस्त ने गाड़ी लेनी है, वो जरा शोरूम जा रहे हैं आज, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, वो बेमतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बेमतलब चौधरी बन रहे होते हैं, फिर उसके बाद फाइनली जा करके अब कन्फ्यूज, जब आप 20 लोगों से सलाह लोगे, हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, हर शोरूम वाला अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, फिर जा करके आप जा करके कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर जैसे तैसे मान लो गिरते पड़ते आपने गाड़ी चुन भी ली कि किस कंपनी की खरीदनी है, फिर मॉडल पे बात अटक जाएगी, इंडियन मेंटलिटी क्या है कि भाई गाड़ी बड़ी मिल जाए, गाड़ी का साइज़ बड़ा हो, गाड़ी का मॉडल बड़ा हो, भले ही उसमें बेसिक फीचर्स हो तो फिर वो जाके गाड़ी खरीदेंगे, चुन लेंगे, अब गाड़ी का जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन सबसे बड़ा उत्सव होता है, बड़ा मज़ेदार इवेंट है, कभी कभी अगर आपको, खैर अगर आप ही उनमें से तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बल्कि पर जो ईमानदार लोग हैं जो सच का आईना देखना चाहते हैं तो वो जान कर सकते हैं कि उन्होंने भी ये तमाशा किया होगा, क्योंकि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ तो तकरीबन सभी ही लोगों ने ये तमाशा किया है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था, तो क्या होता है सबसे मज़ेदार इवेंट होता है, पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा इस वीडियो में, तो अपने पास पूरा टाइम है, आप लोग झेल सकते हो तो झेलो इस वीडियो को, तो जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी होती ना उससे बड़ा तमाशा, उससे बड़ा मज़ेदार चीज़ कोई नहीं है, क्या होता है दोस्त भी जाएंगे 3-4, फैमिली भी पूरी जाएगी, उस दिन पूरा उत्सव होगा, पूरे मोहल्ले में पता होगा, पूरे रिश्तेदार में पता होगा आज गाड़ी की डिलीवरी आनी, या कई बार जानबूझ के नहीं बताया जाएगा कि नज़र ना लग जाए, हाय ना लग जाए, दोनों चीज़ें, ठीक है, ढिंडोरा भी पीटेंगे और कई जगहों पे ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, पता भी नहीं लगने देंगे कि यार मतलब ईर्ष्या ना हो जाए, हाय ना लग जाए, नज़र ना लग जाए, ठीक है, अब जा रहे हैं जी सज सज के, प्लान हो गया, सब जा रहे हैं जी, फिर जिसके पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ी लेकर के आएगा, जाएंगे शोरूम में, शोरूम वाले आपकी जो आपके साथ जो कुत्ता घसीटी करेंगे, यहाँ बैठ जाओ, अभी डॉक्यूमेंट हो रहा है सर, वो डीडी अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी वो डीडी सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, अभी बैंक से आपका पेमेंट नहीं आया, वो एनओसी नहीं आई, वो ये फलाना नहीं आया, वो क्लियरेंस नहीं आया, गेट पास बन रहा है, वो गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपके 4-5 घंटे निकल जाएंगे, ये पूरा उत्सव है, ठीक है, उसके बाद फिर गाड़ी की डिलीवरी देने की टाइम आएगा, फिर वो आपको एक गत्ते की चाबी देंगे लंबी सी, वो चाबी देते टाइम आप ऐसे दांत फाड़ के मुस्कुराते हुए, ऐसे इतराते हुए, शर्माते हुए चाबी पकड़ोगे, पीछे आपका परिवार खड़ा होगा, 2-4 यार दोस्त भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएंगे, फिर वो आपसे केक कटवा देंगे या पेस्ट्री वगैरह दे देंगे और आप ऐसे खुश होके आओगे जैसे कि आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, सोचो। और मैं जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी या मेरे पास सेकेंड हैंड थी, मैं तब भी सोचता था कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरे मेहनत की कमाई, मैंने एक पैसा तिनका तिनका करके इकट्ठा किया, मेरा पैसा, मेरा जिगरा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, और ये मेरे पैसे की, मेरी ही गाड़ी जिसकी मैं अभी ब्याज भी भरूंगा, ईएमआई भी भरूंगा, उसकी चाबी मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मैंने कोई कॉन्टेस्ट में कार विन करी है, जैसे मैंने कार जीती है, ये मुझे इनाम दे रहे हैं, अरे भाई मेरे पैसे की गाड़ी है तुम मुझे ऐसे कैसे दे सकते हो, सोचो क्या कभी हेलीकॉप्टर का शोरूम होता है, या कोई रोल्स रॉयस लेने वाला जाके 5 घंटे गाड़ी की वेट करेगा, गाड़ियां घर पे डिलीवरी होती है, हेलीकॉप्टर उनके एयरपोर्ट पे पार्क होता है, जो भी उनकी जगह प्लेस होती है, हेलीपैड जहां पे भी उन्होंने बनाया होता है, समझे। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा अपना बताता हूं, फिर आऊँगा प्रॉपर्टी वाले मुद्दे पे। मैंने जब गाड़ी खरीदी नहीं तो मैं अपने दोस्त का डीडी बनवाने के लिए गया था, क्योंकि उसको कोई डीडी बनवाना था, मेरे को मेरे बैंक की तरफ से मुझे महीने में 3 डीडी फ्री मिलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि यार तेरे 250 रुपये लगेंगे, चल मेरे थ्रू बनवा ले, तेरे 250 रुपये बच जाएंगे, मेरे को 3 डीडी फ्री मिलते हैं।
तो उसका हमने डीडी बनवाया, तो डीडी बनवाने के टाइम पे बैंक वालों ने बोला सर थोड़ा सिस्टम स्लो है, आप आधे घंटे बाद आ जाओ। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा यार आधे घंटे के बाद आना है, कौन घर जाए, चलो। तो सामने मॉल था, मॉल में घूमने चले गए। गाड़ी मुझे चेंज करनी ही थी, रिसर्च मेरी कंप्लीट थी कि मुझे जब भी ख़रीदनी है तो कौन सी ख़रीदनी है, मतलब मुझे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, नंबर वन ना नंबर, मैं कभी कंफ्यूज होता हूँ, मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होता हूँ, इसलिए मुझे जब कंफ्यूजन ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। गलत हो सकता हूँ, गलती होगी, उससे सबक सीखूंगा, अगली बार और बढ़िया काम करूंगा, पर मैनिपुलेट नहीं हो सकता, कंफ्यूज नहीं हूँ। तो क्या हुआ, हम गए शोरूम, शोरूम में गए हमने, शोरूम में होंडा के शोरूम में गए हमने, देखा तो क्लियर था। उसने खूब कोशिश करी, अरे सर आप होंडा अमेज टॉप मॉडल क्यों ले रहे हो, होंडा अमेज टॉप मॉडल 9,30,000 से ऊपर की थी, पड़ रही थी ऑन रोड, मतलब पूरा ऑन रोड प्राइस सारा कुछ मिला के। तो उसने बोला अरे सर आप इतनी महंगा मॉडल ले रहे हो और टॉप मॉडल को, आप एक काम करो ना, अगर आप इसमें कुछ 80-90 हज़ार या लाख रुपया और दे दो तो मैं आपको होंडा सिटी दे दूंगा, होंडा सिटी ब्रांड वैल्यू है, नाम है उसका, ये है वो है। मैंने कहा होंडा सिटी जो आप दोगे मुझे वो तो बेसिक मॉडल दोगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा। कह रहा हाँ सर वो तो है, वो तो बेसिक मॉडल मिलेगा आपको। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को हाईवे वगैरह पे जाना रहता है, मैं अपने फुली लोडेड गाड़ी लूँगा जिसमें ABS हो, EBD हो और एयरबैग हो। तो उसे खूब कोशिश करी पर मैंने क्लियर था, मैंने उसी टाइम में 50,000 का चेक दिया, ठीक है जी। अब आती है बात उत्सव वाले दिन कि गाड़ी की डिलीवरी कब होगी। उसने बोला सर गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी, आपका लोन जैसे क्लियर होगा 4-5 दिन में हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। 4-5 दिन बाद जब गाड़ी की डिलीवरी का दिन आया, उससे एक दिन पहले उसका फ़ोन आया, सर सब कुछ ओके हो गया है तो कल आप बता दो किस टाइम आओगे मैडम को बच्चों को लेके, तो गाड़ी आपको हम डिलीवरी दे देंगे। मैंने कहा मैं क्यों आऊँगा, मतलब। कह रहा सर आपको गाड़ी नहीं लेनी। मैंने कहा हाँ गाड़ी लेनी है पर मैं क्यों आऊँगा यार। मैंने कहा यार हम छोटा सा भी कोई सामान खरीदते हैं अमेज़ोन से, हमारे घर में डिलीवरी होता है, पिज़्ज़ा भी मंगाते हैं, हमारे घर में डिलीवरी होता है, मैं 9 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहा हूँ और मैं शोरूम में आऊँगा। मैंने कहा बस गाड़ी की डिलीवरी तो मुझे घर पे चाहिए। कह रहा सर आप बात नहीं समझ रहे, आप आओगे यहाँ पे हम आपको वो बुके देंगे, वो हम वो केक कटवाएंगे या कुछ होता है ना वो पेस्ट्री वगैरह कुछ, वो कटेगा केक कटेगा, आपके साथ एक फ़ोटो शूट होगा और वो आपको चाबी देते हुए। मैंने कहा हाँ वो मैंने बहुत सारे फेसबुक वगैरह पे देखा है, लोगों ने फ़ोटो लगाई है कि हमने गाड़ी खरीदी है। तो मैंने कहा बॉस ये गाड़ी मैं गिफ्ट में नहीं ले रहा हूँ, ये आप मुझे गिफ्ट में दे दो मैं आ जाता हूँ सुबह से बैठ जाऊँगा वहाँ पे। तो कह रहा मैंने कहा आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है क्या घर में गाड़ी ड्रॉप करने। कह रहा नहीं नहीं सर वो तो है पर मतलब ऐसा केस पहली बार आया कि भी। मैंने कहा पहली बार इसलिए आया कि आप एक मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास लोगों की गाड़ियाँ बेच रहे हो, अगर आप मर्सिडीज़ बेच के शोरूम में जब नौकरी करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो घर में डिलीवरी होती है। मैंने कहा मैं अपने हिसाब से मर्सिडीज़ ही खरीद रहा हूँ तो मुझे मेरी गाड़ी घर पर चाहिए। फाइनली शाम को 5:30 बज गए, एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर कि भी गाड़ी आएगी, बच्चों के अंदर भी थी। गाड़ी आई शाम को 5:30 बजे गाड़ी लेकर के, वो उन्होंने हमारी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी रोकी, पूरा मोहल्ला देख रहा है कि यार ये नई गाड़ी किसके घर आई है, क्योंकि वो उतरा उसके वो कोट पैंट टाई पहना हुआ बंदा और उसके यहाँ पे लिखा हुआ भी होंडा का वो जो लगा होता है, तो सबको मालूम था कि ये डिलीवरी देने आया किसी की। फिर वो ऊपर आया, बैठा, चाय पानी पी, मैंने उसको एक एनवलप दिया कि भी आप मतलब एज ए टिप, तो उसने वो लिया नहीं। मैंने कहा नहीं ये एक तरह का गुड लक है आप लो रखो इसको। कह रहा नहीं सर सॉरी ये हमारा रूल नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता। तो उसने चाय वाय पिया पर पैसे नहीं लिए, वो लिफाफा मुझे वापस कर दिया। उसके बाद उसने बोला सर एक बार नीचे आ जाओ। मैंने कहा यार मैं नीचे क्यों आऊँगा। वो कह रहा सर एक फ़ोटो लेनी है। मैंने कहा वो फ़ोटो वोटो का अपने को शौक नहीं है, मैं मतलब मेरी गाड़ी की मैं अपने साथ फ़ोटो मैं अपनी फैमिली के साथ खिंचवाऊँगा ना, वो मतलब आपको क्यों चाहिए। तो उसने बोला अरे सर आप ना एक बार नीचे आ जाओ, ये कंपनी का रूल है कि मुझे आपको स्टपनी और वो सब क्या क्या लोडेड है वो सब चेक करवाना है। तो फिर मैं फाइनली नीचे गया और अकेला मैं नीचे गया। नीचे जा करके उसने मुझे स्टपनी वगैरह जो भी था वो सब चेक करवाया और एक फ़ोटो ली गाड़ी के साथ की भी, उसको अपने रिकॉर्ड में लगाने की भी हमने गाड़ी डिलीवर कर दी कस्टमर के। उसके बाद वो घर पे ही बुके दे गया, घर पे ही वो कुकीज़ वगैरह जो थे गिफ्ट वगैरह कुछ खाने का कुछ आइटम था वो भी दे गए। उसके बाद फिर उसके जाने के बाद 1 घंटे बाद हम लोग नीचे गए, गाड़ी में बैठे, फिर हम लोग गए, हमने राउंड लगाया, घूमे, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, तब मोहल्ले को मालूम पड़ा चाहिए गाड़ी आपने ली है। तो और ऐसा मतलब ये मैंने कोई इंटेंशनली या जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी नॉर्मल मेरी आइडियोलॉजी है।
पर अगर मैं शोरूम चले जाता तो वो मुझे बड़ा एक्टिंग करनी पड़ती कि मैं वहाँ बैठा हूँ। मुझे मतलब बड़ी शर्मिंदगी सी होती कि मैं बैठा हूँ, गेट पास बन रहा है, मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ। और देखो, बादशाह बनने के लिए सोच चाहिए, बादशाह बनने के लिए बादशाह वाली औकात होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली औकात मानसिक लेवल पर चाहिए, ठीक है ना। एक छोटा आदमी भी होटल में खाना खाने जाता है और वेटर को टिप देता है, और एक बड़ा आदमी भी जा करके वेटर को टिप नहीं देता, तो वो एक अपना लाइफस्टाइल होता है, एक सोच होती है। जब मैं ये किस्सा लोगों को सुनाता हूँ ना, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लोग कहते हैं अरे यार मज़ा आ गया यार, ऐसे ही हम भी ऐसे ही करेंगे। और फिर मैं देखता हूँ जब उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, वो कह रहे यार वो पापा ने बोला, वो ऐसा हुआ, वो एकदम अचानक प्रोग्राम बन गया। तो मैंने कहा भाई इसके लिए एक हिम्मत चाहिए, एक सनक चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें उसने ज़रा सी बात बोली तुम भी चले गए, अपनी ही कमाई की गाड़ी को ऐसे डिलीवरी ले रहे हो जैसे कि पता नहीं आपको गिफ्ट में मिल रहा है या इनाम मिल रहा है। अब आती है बात प्रॉपर्टी वाले मुद्दे पे। तो प्रॉपर्टी वाला मुद्दा ये है कि आप लोग गोवा में प्रॉपर्टी के, आप लोग कहीं पे भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। आप में से वो लोग नहीं खरीद सकते हैं जो लोग कभी गाड़ी लेने, टीवी लेने, फ़ोन लेने, कोई भी चीज़ लेने अपने साथ चार दोस्तों को लेके जाते हो या चार अपने बुद्धिजीवी या शुभचिंतकों से सलाह लेते हो। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सबकी सुनते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबकी राय को कलेक्ट करता है और आपको कंफ्यूज कर देता है, और फिर आप उन्हीं में से किसी एक की सलाह मान लेते हो और आप इतना ज़्यादा अपने अंदर खिचड़ी पका लेते हो कि आपको मालूम नहीं तो सही गलत क्या है। अरे आपका सही गलत आपका निजी होना चाहिए, और वो सही या गलत चुनने की क्षमता आपके तर्क और अनुभव से आनी चाहिए, ना कि लोगों की सलाहों से। चार लोगों से सलाह ले लो एक ही मुद्दे पे, चार लोग अलग अलग बताएंगे। वो जैन धर्म में एक स्टोरी है ना कि भी मतलब हाथी को चार लोगों के आँखों में हाथ पट्टी बांध के बोला कि ये बताओ उसको छू के क्या है, तो एक ने बोला कि ये तो कान को पकड़ के बोला ये वो है जो अनाज को छांटने वाला है, किसी ने उसके पैर को पकड़ के बोला कि ये तो खंबा है, किसी ने पूँछ को पकड़ के बोला है झाड़ू। हर आदमी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, हर आदमी आपको अलग सलाह देगा, आप क्या करोगे। तो सुननी भी नहीं है सबकी, सुननी किसकी है फिर, अपने तर्क और अनुभव की। रैशनल बनो ना, तार्किक बनो, गलत भी फैसला होगा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो गोवा में प्रॉपर्टी वो लोग नहीं ले सकते जो खुद कंफ्यूज हैं, चार लोगों से सलाह लेंगे, जोश चढ़ेगा, जोश चढ़ के आप लोग सर्च करोगे या किसी को बोलोगे, थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी करोगे, फिर शांत होकर बैठोगे। जो सीरियस होंगे वो रिसर्च भी करेंगे, रिसर्च करने में पैसा भी खर्च करेंगे, किसी को कंसल्टेंसी का भी पैसा देना पड़ेगा, देंगे किसी को पैसा इस बात का भी देना पड़ेगा कि भाई साहब आप हमें वर्चुअल टूर करवा दो प्रॉपर्टीज़ के, जब फाइनल होगा तो हम आएंगे तभी, वो भी सब करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं आज तक लाखों, मतलब मेरे हिसाब से वो लाखों रुपए की उस समय थी, तो आज सोचो वो कितने की होंगी। तो वो ऐसे ही खड़े खड़े खरीदी हैं और अकेले खरीदी हैं, अकेले गया हूँ, चीज़ डन आ गई। इवन एक प्रॉपर्टी डीलर ने तो मेरे को इंटरटेन ही नहीं किया, उनको लगा कि यार ऐसे कोई आ गया स्कूटर पे कि ये मेरे को ये फ्लैट खरीदना है, और उन्होंने तो क्या हुआ, मैंने कुछ दिनों बाद वो फ्लैट खरीद लिया। फिर मुझे एक और ख़रीदना था तो मैं जब उनके पास गया तब उन्होंने मेरे को सीरियसली लिया, अच्छा आपने वो ख़रीद लिया, मैंने कहा। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब हमारे फैमिली रिलेशन है, पर मैं उनको बोलता हूँ कभी कभी कि यार आपने मेरे को सीरियसली नहीं लिया था, कह रहे यार आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाते टाइम पास के लिए। मैंने कहा तो वो आपके जजमेंट की गलती है, जजमेंट पावर वीक है, क्योंकि तर्क और अनुभव के आधार पर नहीं अपनी सोच बनाई ना, सही को सही नहीं चुन पाए आप। चलो खैर एनीवे जो भी है, तो ये वीडियो ऐसे ही लगा कि कुछ बातें करनी चाहिए आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मज़ा आएगा। और कुछ 100 कमेंट आते हैं तो उसमें से 2 कमेंट नेगेटिव होते ही होते हैं। अच्छी बात क्या है कि मैं तो 100 में से 10 की उम्मीद कर रहा था कि 100 में से 10 या 20, मतलब 20% तो नेगेटिव कमेंट आएंगे ही आएंगे। आप मेरे वीडियोज़ में देख लोगे 100 में से, मतलब परसेंटेज वाइज देखोगे तो 2% या 3% ही नेगेटिव कमेंट है, 2% ही नेगेटिव कमेंट है बल्कि। और मुझे लग रहा था कि 20% तक नेगेटिव कमेंट आया करेंगे, क्योंकि हेटर्स होते ही हैं, नेगेटिव थॉट के लोग होते ही हैं, जिन्हें भीड़ से अलग चलने के नाम पे किसी भी बात को बुराई करनी करनी है, मज़े लेने, शरारती तत्व होते हैं। तो पर मेरे एक ज़्यादातर कमेंट में वही 2-3 लोग हैं, थोड़े दिन तक वो वीडियोज़ का पीछा करते हैं, उसके बाद वो खुद ही पक जाते हैं, क्योंकि मैं शुरू में उनको रिप्लाई करता हूँ, उसके बाद में मैं इग्नोर करता हूँ। और यही तरीका लाइफ में भी होना चाहिए नेगेटिव लोगों से बचने का, हेटर से बचने का। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कि ये किस्सा सुनने में मज़ा आया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।